अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम आपका जिन्नात की बस्ती में। नाज़रीन दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे चैनल के साथ अटैच हैं और जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया हुआ है, तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो चैनल हमारा देखते हैं, और जो नई भी देखते हैं उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आज हम आपके लिए नई लोकेशन लेके आए हैं। ये लोकेशन एक गाँव में है, इसका नाम तो नहीं हमें पता इस जगह का, लेकिन ये इधर पुराना कुआँ होता था तो वो उन्होंने ख़त्म कर दिया है, और उसके कुएं के साथ एक बड़ा सारा पीपल है जो पुराना है हिंदुओं के ज़माने का, और हिंदू उसकी पूजा वगैरह करते थे। तो नाज़रीन आज हम उसके मतलब आपको लोकेशन दिखाएंगे और बताएंगे भी, और पीपल भी दिखाएंगे जो जिसकी पूजा की जाती थी, और काफ़ी बड़ा है वो, 200 या 300 साल पुराना है वो। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ, पीछे फसलें वगैरह हैं और दूर दूर तक घर हैं, नज़दीक नहीं है बिल्कुल। तो आए नाज़रीन हम आपको दिखाते हैं जिधर पुराना कुआँ आता था जिससे ये मशहूर था ज़्यादा। ये आप देख सकते हैं इधर पुराना कुआँ आता था इस जगह पे, तो लोगों ने ये इन्होंने बंद कर दिया ये वाला कुआँ। ये कुआँ इतना गहरा था कि इसका जो इन्होंने नीचे से खुदाई की थी इसकी, और काफ़ी गहरा किया था, तो ये कुदरती तौर पे इतना खुद ब खुद गहरा हो गया था कि नीचे तक ये इसकी मिट्टी गिर गई थी, और इसकी खुदाई मतलब कि गहराई का अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे, इसलिए इन्होंने बंद कर दिया। तो ये काफ़ी सालों से इसे बंद कर रहे हैं, तो ये बस अब इतनी जगह रह गई है इसकी मुकम्मल होने में। तो आए नाज़रीन हम आपको आगे दिखाते हैं। आज लोग इधर रहते भी हैं, प्रेस भी की उन्होंने, तो उन्होंने बताया हमें, इसलिए हम इधर ही आए हैं। तो आप देख सकते हैं साथ में फसलें वगैरह भी हैं, काफ़ी खूबसूरत मंज़र है। नाज़रीन ये उसकी पीपल की शाखें, ये आप देख सकते हैं हम उसके आगे हैं पास बिल्कुल। ये काफ़ी पुराना है, हिंदू इसकी पूजा किया करते थे, तो मुमकिन यही भी है कि लोगों का कहना है कि इधर वैसे रात को आवाज़ें आती हैं टल्लियाँ खड़कने की, मंत्र पढ़ने की, जैसे वो हिंदू वगैरह पूजा करते थे। तो ज़्यादा हमारा मकसद यही है लोगों को दिखाने का इस जगह को। तो नाज़रीन हम इसके बिल्कुल पास जाते हैं, आपको दिखाते हैं। अच्छे से कैप्चर करके आप दिखा देंगे। ये कितना पुराना है, इसकी जो नीचे से जड़ें हैं वो भी ऊपर आई हुई हैं। अच्छा, ये इतना चौड़ा है कि इसको 15 आदमी ऐसे करके पकड़े भी तो ताभी उनके हाथों में नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा शाखें हैं इसकी हैं। थोड़ा सा पीछे होकर ये वाला टाना दिखाएं ना, ये कितना बड़ा है। अच्छे तरीके से ज़रा कैप्चर करके ये दिखा दो ना। ये वाली इसकी लंबाई इन्हें दिखाएंगे ऊपर तक। ये
ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर परिंदे वगैरह भी रहते हैं, तोते, कां, चिड़िया, ऐसे परिंदे वगैरह भी और सांप भी रहते हैं इसके अंदर। आप देख सकते हैं इधर से कितना पुराना है ये। पूछो पूछो, इधर आओ छोटे, इधर मेरे पास आओ। वो बच्चा हमें कुछ बताना चाहता था और हमसे वो डर के भाग गया है, और उसका कहना है कि इधर कोई बुज़ुर्ग वगैरह रहता है इसके अंदर। तो जैसे हमने उसे बच्चे को बुलाया और वो भाग गया वापस डर के हमसे, तो कुछ हमें बताना चाहता था। चलो खैर कोई बात नहीं, आप ऐसे देख लें, जो हमारे नॉलेज में है आपको दिखा देते हैं, बता देते हैं। तो इसके अंदर कोई ना कोई जानवर भी है। कई दफ़ा इन लोगों ने काटने की कोशिश भी की है, तो जो मतलब कि इसके ऊपर जो भी चीज़ है, जिन वगैरह या कोई बुज़ुर्ग वगैरह कुछ भी है, उसने काटने नहीं दिया। अगर किसी ने काटा भी है तो उसका खुद का नुकसान हुआ है इसकी वजह से। तो ये रात को काफ़ी ख़तरनाक लोकेशन हो जाती है। तो नाज़रीन, ये जो इधर फैमिली ने रैश वगैरह की और रात के वक्त इधर बाहर नहीं निकलती, तो लिहाजा आपने देखा कि हमने आपको पूरा ये दिखाया। तो हो सकता है कि रात को ये इधर से आवाज़ें आती हों या उनके पूजा करने की। तो नाज़रीन, हमने इनसे पूछा जो फैमिली इधर रहती है, तो हम आपको कैमरे में तो नहीं दिखा सकते क्योंकि वो लेडीज़ हैं, तो उन्होंने बताया कोई बुज़ुर्ग वगैरह इधर रहता है, तो इसलिए हम ऊपर नहीं जा सकते इसके। तो उन्होंने थोड़ी सी तफसील भी हमें बताई है कि इधर कोई मतलब के बुज़ुर्ग रात को नज़र भी उनको आता है, तो इसलिए ये कभी भी किसी ने काटने की इसे कोशिश नहीं की। एक दो दफ़ा काटा तो नुकसान हुआ उनका, तो लिहाजा आप भी थोड़ा सा इसके दूरी रहें। ये मतलब कि इधर जानवर वगैरह भी उन्होंने अपने बांधे हैं, तो लोगों ने काफ़ी दफ़ा उनको रोका है कि आप ना बांधो, तो लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं कहा। तो लिहाजा नाज़रीन, हम मज़ीद हमें कोई और इंफॉर्मेशन मिलेगी तो हम बताएंगे आपको। तो ये जानवर दो बंधे हुए हैं, ये जानवर आप देख सकते हैं बंधे हुए हैं, तो इनको लिहाजा कोई नुकसान नहीं पहुँचाता वो। ये आप देख सकते हैं इसकी जड़ें किधर तक आई हुई है, ये इधर। ये आप देख सकते हैं इसकी पीपल की जड़ें, ये इधर पीपल है और इसकी जड़ें इधर आई हुई हैं और काफ़ी बड़े बड़े दूर दूर तक गई हुई हैं इसकी जड़ें। इसकी शाखें तकरीबन कितनी हैं, गिन सकते हो? मेरा अंदाज़ा है कि 15 से 20 होंगी इसकी शाखें, 15 से 20 होंगी, और जो बड़े वाली वो बता रहा हूँ, छोटे वाली तो बहुत ज़्यादा होंगी। तो ये इसकी ऊंचाई मेरा ख्याल है 200 या 250 फीट तो होगी। हाँ होगी, होनी चाहिए, 200 से 250 फीट तो होगी इसकी। तो नाज़रीन, हम अब यहाँ से चलते हैं,
क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो रहा है, सूरज डर रहा है। तो आपको लोकेशन हमने दिखा दी, तो आप हमारा चैनल ज़रूर देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और नाज़रीन, हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप हमारा साथ देंगे, तो आप ऐसे ही हमारा साथ देते रहें और हम आपको अच्छी अच्छी लोकेशन दिखाते रहेंगे। तो इंशाल्लाह जल्द हम आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।